जय श्री राम। मित्रों, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन छह स्तुति का नित्य पाठ अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, ये प्रसंग बहुत ही अद्भुत है। सभी श्री राम के भक्त इसे जरूर पढ़ें या सुने। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तब वेदों ने भांट बनकर राजा राम जी की स्तुति की थी। इसलिए राज्याभिषेक के समय वेदों द्वारा की गई प्रभु श्री राम की स्तुति बहुत फलदायी है। मित्रों, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना स्तुति करना आवश्यक है। भगवत कृपा केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, वरन देवता, दानव, वेद, ऋषि, मुनि, त्रिलोकी के समस्त जीवों की चाह रही है, क्योंकि यही सुख, शांति व सफलता का साधन है। राज्याभिषेक हो जाने पर राजा की स्तुति करने की परंपरा है। जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, तब वेदों ने सोचा कि अभी अभी सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना चाहिए, किंतु दरबार में इतनी भीड़ है कि श्री राम जी तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। वेदों को भगवान का भाट कहा गया है, अतः वेदों ने बंदी भाट का वेश धारण कर लिया, क्योंकि भाट का काम राजा का यशोगान करना होता है। अतः अब राजा राम तक पहुंचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेउ न काहु मरम कछु लगे करण गुण गान। वेद जब बंदी वेश में श्री राम दरबार में पधारे, तो प्रभु श्री राम के अलावा अन्य कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। प्रभु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने वेदों को पहचान लिया और उनका बहुत आदर किया। भगवान राम की स्तुति के संबंध में महर्षि वाल्मीकि का कथन है, श्री राम आपका दर्शन और स्तुति अमोघ, कभी निष्फल न जाने वाली और अपने लक्ष्य तक पहुँचाने वाली है, तथा पृथ्वी पर आपकी भक्ति करने वाले मनुष्य भी अमोघ ही होंगे। इसीलिए राज्याभिषेक के समय वेदों द्वारा की गई प्रभु श्री राम की स्तुति बहुत फलदायी है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस स्तुति का नित्य पाठ अवश्य ही करना चाहिए। प्रभु श्री राम की वेदों द्वारा की गई स्तुति हिंदी अर्थ सहित, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निशिचल, प्रवल खल बुजबल हने, अवतार नर संसार भार, विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। अर्थात सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति यानी सीता जी सहित श्री शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसिकाल कर्म गुणनि भरे, जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष नाम नमा महे। अर्थात हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए यानी उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भाव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इसमें से जिसको आपने कृपा करके देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमक्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस पर हरि दास तव जे होई रहे,
जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो सम राम हे। अर्थात जिन्होंने झूठे ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रिलोक पावन सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। अर्थात जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणकारी रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों की नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देवी नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बोली अकेली जेही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। अर्थात वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिसके चार त्वचाएं, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूं जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावहि, करुणाए तन प्रभु सद गुना कर देव ये वर मांगहि, मम वचन कर्म विकार तजि तब चतन हम अनुरागहि। अर्थात ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखन वेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। प्रभु श्री राम की वेद स्तुति की पाठ की महिमा अनंत है। मन की चंचलता रोकने के लिए भगवान श्री राम का गुणगान सर्वोपरि उपाय है। श्री राम के गुणगान से ही मनुष्य भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त कर लेता है और संसार बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी चंचल लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, अर्थात लक्ष्मी जी सदैव उसके घर में निवास करती हैं। सभी प्राणी उसके अनुकूल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, सब मनुष्य के लिए जल स्थल बन जाता है, जलती हुई अग्नि शांत हो जाती है, क्रूर ग्रहों के समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह सबका वंदनीय, सब तत्वों का ज्ञाता और भगवत भक्त हो जाता है। श्री तुलसीदास जी का कथन है, जो जीव यानी मनुष्य भगवान श्री राम का गुणगान नहीं करता, वह मेढक के जीव के समान है।
जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सदादुर जीह समाना। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।